अगली खबर रायसेन से है, जहां जिला कोषालय विभाग में लोकायुक्त ने कार्यवाही करते हुए नवीन विश्वकर्मा सहाय ग्रेड 3 को रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें, रिटायर्ड शिक्षक से 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। रिटायर्ड शिक्षक दुर्गा दास राय से 10000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। पेंशन का पैसा निकालने के बदले में यह मांग की गई थी। आरोपी नवीन विश्वकर्मा शिक्षक से पहले एक बार 4000 रुपए और दूसरी बार 1000 रुपए ले चुका था। फिलहाल तीसरी किस्त का पैसा ले रहा था, जब लोकायुक्त पुलिस ने उसे धर दबोचा है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक मनु व्यास के निर्देश पर निरीक्षक मनोज पटवा और विकास पटेल की टीम ने यह कार्यवाही की है। आरोपी पर अभी कार्यवाही जारी है। क्या मामला था जो आज यहाँ लोकायुक्त ने छापा मारा? दिनांक 18 जुलाई 2023 को आवेदक दुर्गादास राय जी लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में आए, तो जिनने शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ की कि मैं 31 मई 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद रायसेन से रिटायर्ड हुआ था, तो जिसका एनपीएस का पैसा मुझे निकलवाना था। तो जिला कोषालय अधिकार कार्यालय में पदस्थ नवीन विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि आपके राशि निकलने के लिए 10000 रुपये लगेंगे। फिर इनके द्वारा बोला गया कि राशि ज़्यादा है, तो इन्होंने बोला कि आप विकलांग हो तो 8000 रुपये दे जाना। तो 4000 रुपये ये 17 तारीख को दे आए थे, बाकी बचे 4000 रुपये थे जो 25 तारीख को ये इनका पैसा आ गया था, 22 तारीख को एनपीएस का इनके अकाउंट में। पेंशन की राशि रह गई थी, तो इनके द्वारा बात की गई, तो इन्होंने कहा ठीक है आप सोमवार को आ जाना बाकी बचे पैसे लेके। तो 25 तारीख को इनने 1000 रुपये और दे आए थे। फिर आज दिनांक को 3000 रुपये की बात हुई थी, तो जो इनको 3000 रुपये देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनु व्यास सर के निर्देशन में कार्रवाई अभी जारी है यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मैं निरीक्षक विकास पटेल और मेरी टीम में निरीक्षक मनोज पटवा सर हैं और लोकायुक्त टीम से हमारे स्टाफ हैं। सर, नवीन विश्वकर्मा किस पोस्ट पे? सहायक ग्रेड 3 के पद पे पदस्थ हैं, जिला कोषालय अधिकारी रायसेन में। कौन कौन सी धाराओं के तहत? अभी धारा 7 के अंतर्गत फिर धारा 13 में अभी इजाफा किया जाएगा। सर, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद राय है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला चिरौली में पदस्थ था और मैं दिनांक 31/5/2023 को सेवा में निवृत्त हो चुका हूँ, जो कि मेरा पेंशन का प्रकरण इस कार्य में लंबित था, जिसकी एवज में मेरे को ये अपने नवीन विश्वकर्मा जी के द्वारा 10000 रुपये की मांग की गई। क्योंकि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, तो 10000 बोले कि एक काम करो, 2000 रुपये कम कर देते हैं। इस तरह 8000 रुपये में हमारा सौदा तय हुआ और जिसमें 4000 रुपये ये मेरे को ले चुके। इसके बाद पर 1000 रुपये लिया और आज जो है इन्हें 3000 रुपया प्राप्त किया, जो कि अभी भी मेरी पेंशन जो है पेंशन अभी मई नहीं बनी है। बोल रहे हैं कि आपके कागज बम्बई गए हैं, एक महीना बाद आपको पेंशन का प्रकरण होगा। जी सर, ये रिटायर मेरे को 2 महीने हो चुके हैं सर। जो मेरा अंशदाई का पैसा था, कटौती थी, उसकी एवज में मांगे थे सर पैसे। पेंशन अभी मेरी बाकी है, जो फंड मेरा जो जमा था अंशदान, उसकी एवज में निकलवाने के लिए ये रिश्वत मांगी थी सर। फिर इसके बाद कहाँ शिकायत किया? सर, मैंने इसके बाद अपने लोकायुक्त भोपाल श्रीमान जिला अध्यक्ष ने वहाँ संपर्क किया। मैंने उनके मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। इसके बाद उनके द्वारा मेरे को एक मोबाइल दिया गया, तो मैं यहाँ पर 2 बार जो है रिकॉर्डिंग करके पूरी जानकारी इनके विषय में ऊपर पहुँच चुकी थी और आज जो है पूरा दल गठित होकर इनको रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा है। और क्या नाम लिखते हैं आप? दुर्गा प्रसाद राय।